हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और मैं अपना मैथ्स गुरु प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो आज का हमारा ट्रिक है पाइप्स एंड सिस्टम के दो जबरदस्त क्वेश्चन। तो आज के ट्रिक के साथ धमाकेदार एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करिए। और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रिक को। ये मेरा YouTube का शेड्यूल है, 1:30 बजे अपनी SSC CHSL की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है जिसमें अभी रेशो टॉपिक चल रहा है, और 6 बजे NTPC की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं वो भी जल्दी। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। तो ए वाला 20 मिनट में भर रहा है, बी वाला 30 मिनट में खाली कर रहा है। टोटल वर्क एफिशिएंसी 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पर मिनट और ये आ जाएगा -2 पर मिनट। क्यों आ जाएगा माइनस? क्योंकि ये पाइप आपका खाली कर रहा है और ये वाला पाइप आपका फिलिंग कर रहा है। ठीक है, अब बात को सुनना। बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेट, अल्टरनेट में ओपन करना है, मतलब पहले एक ओपन होगा फिर दूसरा ओपन होगा फिर एक ओपन होगा फिर दूसरा, एक एक करके ओपन करना है। हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड, हाउ सून का मतलब है कितनी जल्दी आप सिस्टम को फिल कर सकते हो। एक चीज पे गौर करा आपने, एक चीज पे आपके दिमाग में सबसे पहले बनेगा सर एक एक करके ओपन करना है, 3 में से 2 गया, एक एक का 60 में गुणा करेंगे 60 आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत है। इसकी ट्रिक समझना, जो मंकी वाला क्वेश्चन होता है ना, 5 स्टेप ऊपर 4 स्टेप नीचे, ये सेम क्वेश्चन उसी जैसा है। सबसे पहले आप क्या करो, फिलिंग वाला पार्ट माइनस कर दो। सर 60 टोटल है, फिलिंग वाला पार्ट 3 है, माइनस कर देंगे बचेगा कितना 57। पहले आप 57 फिल कराओ। तो पहले मिनट में कौन आएगा, ए 3 यूनिट भर दिया, अगले मिनट में माइनस 2, तो 2 मिनट में 1 यूनिट टंकी भर चुकी है। तो पहले आपको 57 फिल कराना है, इंटू 57 114 मिनट, ये हो गया। ठीक है, कितना टाइम लगा, 114 मिनट। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर है। जब 2 मिनट की बात कर रहे हैं तो 2 मिनट में टंकी कितनी भरी, 1 यूनिट, तो आपको टंकी कितनी भरवानी है, 57 यूनिट। तो भाई 57 यूनिट भरवाने में आपको कितना समय लगेगा, 57 भरवाने में 114 मिनट। ठीक है, अब बात को समझना, 57 का मल्टीप्लाई करा 114 मिनट में, 57 टंकी भर चुकी है। 114वें मिनट में कौन काम कर रहा होगा, सर बी काम कर रहा था, तो 115वें मिनट में कौन आएगा, ए आएगा। तो अगले 1 मिनट में 115 मिनट हो जाएंगे और यहाँ पे ए आएगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, मतलब कितना हो गया 60 यूनिट, भर गई टंकी 60 यूनिट। कितना समय लगा, 115 मिनट, मतलब आपका आंसर आएगा 115 मिनट। याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑल्टरनेट वाले, तो सबसे पहले आपको जो फिलिंग वाला पार्ट है उसको माइनस करना है। 60 में से 5 जो 3 वाला पार्ट था, जो फिलिंग वाला पार्ट था, वो आपने माइनस करा, 57 बचा। तो आपने क्या करा, 2 मिनट में 1 यूनिट भरवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 57। 114 मिनट में 57 यूनिट टंकी को फिल कर दिया गया 114 मिनट में। अब अगले 115वें मिनट में कौन आएगा, ए आएगा, और ए आएगा तो 3 यूनिट भरेगा। तो अगले मिनट 1 मिनट में 115 मिनट हो चुके हैं और 3 यूनिट भरेगा तो 60 यूनिट पूरी टंकी भर चुकी है। तो 115 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 पाइप है ABC जो कि सिस्टम के साथ अटैच करे हैं, ए बी और सी। ए और बी भरते हैं 20 मिनट और 30 मिनट में, बल्कि सी वाला जो है वो सी वाला 15 मिनट में खाली करता है। ठीक है, ठीक है, तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 30 और 15 टोटल हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 3 पर मिनट, ये हो जाएगा 2 पर मिनट, -4 पर मिनट। ये वाले पाइप भी सक्सेसिवली एक एक मिनट के लिए ओपन करें, मतलब पहले मिनट में ए फिर बी फिर सी, ऐसे करके एक एक मिनट के इंटरवल में ओपन करना है। ठीक है, तो भाई पहले मिनट में क्या होगा, ए आएगा 3 यूनिट भर गया, अगले मिनट में बी आएगा 2 यूनिट भर गया, फिर अगले मिनट में सी आएगा -4 खाली कर गया। तो टोटल 3 मिनट में टंकी कितनी फिल हो गई, 3 और 2 5 में से 4 गया 1 यूनिट, यही होगा।
अभी मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिलिंग वाला जो पार्ट है, आपके दिमाग में घंटी क्या बज रही होगी, सर 60 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 60 का यहाँ पे, तो 180 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी और 60 यूनिट भर जाएगी। लेकिन हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड, मतलब कितनी जल्दी सिस्टम भर सकती है, तो कितनी जल्दी के लिए क्या करना पड़ेगा, फिलिंग वाले पार्ट को माइनस कर दो भाई। टोटल 60 था, फिलिंग का पार्ट है 3 और 2 5, माइनस कर दो 55। पहले 55 यूनिट टंकी फिल कराते हैं, इंटू 55 इंटू 55, 165 हो गया। तो 165 मिनट में 55 यूनिट टंकी भर चुकी है। 165वें मिनट में कौन काम कर रहा था, सी। अब कौन आएगा, ए। फिर कौन आएगा, बी। तो ए आएगा 1 मिनट में 3 यूनिट, बी आएगा अगले 1 मिनट में 2 यूनिट। तो अगर 2 मिनट इंक्रीज कर दिया जाए तो यहां पर हो जाएगा 167, और यहां पे आ जाएगा, सिस्टम के लिए बात करें तो 3 यूनिट और 2 यूनिट टोटल 5 यूनिट, तो यहां पर हो गया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट टंकी भर गई और टाइम कितना लेगा, 167 मिनट। याद रखिएगा, ये गलती एग्जाम में बच्चे करते हैं, ऑप्शन में आपको 180 मिनट भी दिया जाएगा, तो ये गलती मत करना कि 60 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कि 180 मिनट आ गया, क्योंकि टंकी कुछ पहले ही भर जाएगी, टंकी कुछ पहले ही भर जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, फिलिंग वाले पार्ट को माइनस करना है, पहले उतना फिल करो फिर रिमेनिंग फिल करो, आंसर आएगा 167 मिनट। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अनअकैडमी पे आप मेरे को प्रबल लवानिया नाम से फॉलो कर सकते हैं, डेली सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है जो स्पेशल क्लास है, और यहाँ पर 50 क्वेश्चन की मैथ्स रीजनिंग GA GS की एक प्रैक्टिस शीट भी मैं अपलोड करता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और ये मेरा बैच है जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, अनअकैडमी पे प्लस का बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। SSC गोल सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, और 12 मंथ चूज करने के बाद आपको कोड अप्लाई करना है प्रबल सर। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।